अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? ये देखो जी, आज हमारी इफ्तारी किस चीज़ से? हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। आज हैं जी मैंगो और स्ट्रॉबेरी और भिंडी। भिंडी बनाई है, फिर है जी मैंगो लस्सी बनाई है, ये देखो। और ये है जी चटनी, ये आ गई है पुदीने की चटनी। और ये आ गए हैं जी चिकन, चिकन रोस्ट आ गया है। ये जी चिकन रोस्ट है। तो आज हम इफ्तारी इन चीज़ों के साथ करेंगे। और इधर भी एक प्लेट इधर भी पड़ी है। ये मैंगो लस्सी है, ये है मैंगो, और ये थोड़े से चिप्स बना रहे हैं चिकन के साथ, चिकन टिक्का है ना उसके साथ। और इधर ये रोटी पक रही है, रोटी बस तैयार हो गई है, ये देखो। ये चिप्स और जो कोई चिकन खाएगा रोस्ट चिकन के साथ उसके लिए है, ये देखो। रोटी उतार दो जी, बाकी ये हमारी आंटी का खाना है, हम आंटी को देने के लिए जा रहे हैं। तो मैं क्या थोड़ी सी हम वीडियो बनाकर आपको भी दिखा दें कि हम आज क्या खाने वाले हैं, क्या किसके साथ रोज़ा इफ्तार करेंगे। ये आज खाना है और सोचते थे कि कल फ्राइडे ईद हो जाएगी, पता चलता कि हमारी फ्राइडे नहीं होगी, हमारी सैटरडे होगी ईद। तो सैटरडे को ईद मेरा ख्याल है कि हमारी होगी। बाकी और आज वीडियो में लेट ही बना रही हूँ, पहले थोड़े से कपड़े थे तो वो तरपाई करने थे, वो करने लगी हूँ, उधर बैठ गई थी। फिर मैं अब ये थोड़ा सा टाइम रह गया है, वो बड़ा भी हो गया। ये रोटी पक रही है, मैं क्या रोज़े अलविदा हो रहे हैं, जाते जाते आपको ये दिन भी दिखा दूँ कि हम आखिरी दिनों में क्या कर रहे हैं। तो और डालेंगे थोड़े से चिप्स, कम ना हो जाए बच्चों को, ये भी रख देते हैं इधर ऐसे, फिर उठा लेंगे, उधर जगह नहीं है, बहुत चीज़ें पड़ी है। तो ये जी ये चिकन है, इसके साथ चिप्स है, और इसके साथ ये चटनी है, ये मैंगो लस्सी है, ये मैंगो है, ये है जी स्ट्रॉबेरी, ये भिंडी, और वो रोटी पक रही है, ये देखो। तो बस डाल दो थोड़े से और चिप्स कम होंगे, ये देखो जी चिप्स और डाल दिए, ये ना हो कि बच्चों के कम हो जाए।
रोटी का बेकर। इस वक्त बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, टाइम थोड़ा होता है, तो दिल करता है कि गरम गरम चीज़ें हर रोज़ेदारों को मिले, तो फिर थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं तो फिर जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। ये देखो, ये फिर बाद में चाय के साथ ये बिस्कुट खाए जाएंगे। ये देखो एंड पर, और ये हैं जी खजूरे, ये हैं अजवा खजूर, ये देखो अजवा खजूर, ये देखो, और ये मैंगो जूस है। ये आज फलूदा नहीं बनाया, आज मैंगो लस्सी बनाई है। तो ये देखो बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, देखते हैं ऐलान होता है या नहीं, सुबह ईद होगी या नहीं। मेरा ख्याल है ईद सैटरडे को होगी, फ्राइडे को ईद नहीं होगी। चलो अच्छा हो गया है, हमारे 30 रोज़े पूरे माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 रोज़े हो रहे हैं। पता नहीं नेक्स्ट रमज़ान में कोई कौन होगा कौन नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने ऐसी ऐसी नियामतें दी हो तो रोज़ाना रखे बंदा, तो बस अख़बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। रोज़ा नमाज ज़कात फ़तराना ये ऐसी चीज़ अल्लाह नसीब करता है तो वो भी पूरा हक अदा करना चाहिए। तो ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।